हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकेट बैंक यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने जा रहे हैं मैथ में टिग्नोमेट्री, जो एयरफोर्स सेक्स ग्रुप एंड नेवी डबल SSR के लिए है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, 3π/5 का रेडियन है, 3π/5 रेडियन का मान अंश में बताएं। अगर 3π/5 का मान अंश में चेंज करना है तो अंश में हम चेंज करते हैं तो 180/π का गुणा कर देते हैं। अगर इसी को हमें अंश में वैल्यू दे रखी होती है और रेडियन में चेंज करते हैं तो उसमें हम π/180 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, अब जी हमें रेडियन से अंश में चेंज करनी है, अंश में चेंज करनी है तो इसमें 180/π के गुणा करेंगे तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो ये होगी 3/5 × 180, 5 से 36 बार कट जाएगी, 36 × 3 हमारा हो जाएगा 108 अंश। तो 3π/5 रेडियन का मान अंश में 108 अंश आ जाएगा, कितना आ जाएगा 108 अंश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 अंश को रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/180 का गुणा कर देंगे इसमें, सो इस वैल्यू रेडियन में चेंज हो जाएगी, तो 150 × π/180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जी हमारे 3 से कटेगी तो ये 5 और ये 6 बार, तो ये हो जाएगी हमारी 5π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, sin θ बराबर है m² - n² / m² + n², तो cos θ वैल्यू बतानी है हमें, cos θ। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है cos θ का, cos²θ + sin²θ = 1, एक होता है। तो यहाँ पर हम cos²θ वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 1 - sin²θ। अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेके तो cos θ वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में हो जाएगी 1 - sin²θ, तो रूट में हो जाएगी 1 - sin²θ। तो इसमें हम क्या करें, sin²θ जब हम रख देंगे m² - n² / m² + n², तो यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने sin²θ की, तो sin²θ की हम इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी m² + n² - m² - n² / m² + n², तो हम इसका m² + n² खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी m² + 2m² - m² - n² - m² - n² - 2m² / m² + n² / 2m² यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस, तो ये माइनस की हो जाएगी हमारी, क्या होगी हमारी यहाँ पर, ये माइनस का है तो ये हमारी माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगी तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगी, ये 2 और 2 ये यहाँ पर प्लस की, तो ये हो जाएगी हमारी 4m² + n² तो इसका हम वर्गमूल खोलेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 2mn/m² + n² हमारा आंसर हो जाएगा। तो cos θ वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, cos θ वैल्यू आ जाएगी हमारी 2mn/m² + n². देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 tan θ = 4 है, तो 5 sin θ - 3 cos θ / 5 sin θ + 2 cos θ वैल्यू बतानी है, तो 5 tan θ = 4 है तो 10θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी, यहाँ पर 5/4 आएगी, तो 5 sin θ - 3 cos θ / 5 sin θ + 2 cos θ, तो इसमें हम दोनों में अंश और हर में cos θ से भाग दे देंगे, क्या करना है, अंश और हर को cos θ से डिवाइड करने पर 5 sin θ / 3 cos θ - 3 cos θ / 5 sin θ / 2 cos θ / 2 cos θ, तो यहाँ पर sin θ cos θ क्या हो जाएगी, 5 tan θ, cos से cos कैंसिल होगी तो जो है माइनस, यहाँ पर हमारी 5 sin θ cos θ हो जाएगी 5 tan θ, और यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगी, तो जो हमारी 10θ वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5, 10θ ही 4/5 दे रखी है, तो 5 tan θ वैल्यू रखें तो 10θ 5 × 4/5 - 3, 5 × 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, तो 4 - 3 हो जाएगी हमारी 4+2, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूट में 1+cos θ / 1 - cos θ वैल्यू बतानी है, तो जो मैंने दे रखी है रूट में 1+cos θ / 1 - cos θ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम हर का परमीकरण कर देंगे, तो हर का परमीकरण करेंगे तो यहाँ पर हमें गुणा कर देंगे 1+cos θ / 1+cos θ का, तो यहाँ पर हमारा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगी हमारी 1+cos θ / 1+cos θ / 1+cos θ² जो हो जाएगी 1 - cos θ / 1+cos θ हो जाएगी 1 - cos²θ, तो 1+cos θ रूट से बाहर निकालें तो ये हो जाएगी 1+cos θ, 1 - cos²θ होती है sin²θ, अगर इसके रूट से बाहर निकालें sin²θ तो ये हो जाएगी हमारी sin θ, और इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगी 1/sin θ + cos θ / sin θ, तो 1/sin θ हो जाएगी cos²θ, और cos θ / sin θ हो जाएगी cot θ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos²θ + cot θ हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, cos x का मान बताएं, जब sin x बराबर √3/2 है तथा x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x सेकंड क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू बतानी है cos x की,
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो इसमें तो हमारे ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें हमारे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, और इसमें रहते हैं हमारे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं थर्ड में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जे कॉस एक्स का मान बताना है, जब साइन एक्स बराबर रूट में तीन बट्टे दो, तो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव आई, कॉस एक्स का हमें मान बताना है, तो कॉस एक्स बराबर हमारे फॉर्मूला होता है रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है, तो इसको पक्षांतर करके हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो मुझे माइनस क्यों लगा, माइनस हमारे क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होती है, तो हमारी माइनस हो गई, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है रूट में तीन बट्टे दो, तो जो माइनस एक बट्टे रूट को तीन बट्टे दो का हम स्क्वायर करेंगे, तो जो हो जाएगी तीन बट्टे चार, तीन बट्टे चार वहाँ एक बट्टे दो, ये हमारी माइनस है, तो माइनस एक बट्टे दो आ जाएगी कॉस एक्स की वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइन सात पाई बट्टे बारह इंटू कॉस पाई बट्टे चार माइनस कॉस सात पाई बट्टे बारह इंटू साइन पाई बट्टे चार की वैल्यू बतानी है हमें। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर इसको हम ए मान लेते हैं साइन ए, इसको हम मान लेते हैं बी, इस ये हमारी ए हो गई, ये हो गई हमारी बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, किसका होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर जो हम लगा दें इस फॉर्मूले को लगा दें साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है सात पाई बट्टे बारह, बी की कितनी है पाई बट्टे चार, तो ये होगी साइन ए माइनस बी, सात पाई बट्टे बारह माइनस के पाई बट्टे फोर, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगी, ये हो जाएगी 28 पाई, इसका गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 7 चौक 28, इसका चार का करेंगे 12 चौक 48 इसे 12, तो ये हमारे कितनी 16 पाई बट्टे 48 कितनी बार कट जाएगी इससे, तीन बार, पाई बट्टे तीन हो जाएगी हमारी, तो पाई बट्टे तीन की वैल्यू कितनी होती है रूट तीन बट्टे दो, कितनी होती है रूट तीन बट्टे दो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, ओके दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।